हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। वीडियो में मैंने हर स्टेट का स्थापना दिवस भी लिखा है, आप चाहे तो उसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरविंद सिंह प्रेजेंट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और रुबीना अली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जॉइंट सेक्रेटरी बनी हैं। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। आंध्र प्रदेश में तीन एयरपोर्ट्स हैं, विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट और तिरुपति एयरपोर्ट। तिरुपति एयरपोर्ट रेनीगुंटा में है। अंडमान निकोबार इंडिया का यूनियन टेरिटरी है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड्स हैं। इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट असम के गुवाहाटी शहर में है। असम में फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है और ये किसके लिए फेमस है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बिहार की राजधानी पटना में है। दिल्ली में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आप सबको पता ही होगा। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के डाबोलिम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, कर्नाटक में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में है और मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केरला में चार एयरपोर्ट है, कोझिकोड कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये चारों शहर है केरला के और इन्हीं के नाम पर ये एयरपोर्ट्स है। महाराष्ट्र में चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, पहला है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नागपुर में है, नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है सिटी एंड निकनेम्स पर, आप चाहे तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। ओके, उसमें पूरे इंडिया के जितने भी शहर है सबका निकनेम्स है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे में है और जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट मुंबई में है। मणिपुर के इम्फाल में तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, पंजाब में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पंजाब के शहर अमृतसर में है। अमृतसर में गुरु धर्म का सबसे बड़ा गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। और दूसरा है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है। ओके, बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। तमिलनाडु में चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तेलंगाना के हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
एक है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है। वेस्ट बंगाल में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, और दूसरा है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिलीगुड़ी में है। सो फ्रेंड्स, ये था आज के मेरे वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए। सो थैंक यू।